बाइक हुआ ट्रक की भिड़ंत में बाइक सवार घायल, घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल हायर सेंटर में किया गया रेफर, पुलिस कर रही मामले की जांच। बारामती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर निकाला मोर्चा, वेतन वृद्धि, मराठी भाषा से मोबाइल पोषण लागू करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को मारी टक्कर, मौके पर हुई मां की मौत, कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महोबा रोड मिशन हॉस्पिटल के सामने का है मामला। जसपुर में गर्मी का सीजन आते ही वन्य प्राणी आबादी वाले क्षेत्र का रुख करने लगते हैं, इसी को लेकर वन विभाग ने की वन जीवियों के लिए पानी की व्यवस्था, 15 वाटर हॉल बनाए गए। रायसेन में कुर्मी सत्य समाज ने निकाली वाहन रैली, 393 जयंती के उपलक्ष में निकाली वाहन रैली, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकृष्ण गौर, संगठन मंत्री श्याम गौर समेत कई लोग रहे मौजूद। रीवा में विकास यात्रा के 15वें दिन विधायक केपी त्रिपाठी विकास रथ लेकर सेमरिया विधानसभा पहुंचे, जहां 108.26 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। हंडिया में पंचक्रोशी पदयात्रा के प्रमुखों का प्रशस्ति पत्र एवं शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। लगातार 37 सालों से किया जा रहा आयोजन, 20 से 25 हजार लोग होते हैं पदयात्रा में शामिल। चमौली में नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मयंक पंत पहुंचे पोखरी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मयंक पंत ने कहा, हम हर गांव के युवाओं को भाजपा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। रायसेन में भोजपुर महोत्सव का आयोजन, 25 कथक कलाकारों ने नृत्य के जरिए बिताई शिव कथा, गायक कुणाल गांजुआ वाले के संगीत ने दर्शकों का मन मोहा। लखनऊ में भाजपा ने हजरतगंज थाने में दी तहरीर, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने की थी पीएम मोदी के पिता के संबंध में अमर्यादित टिप्पणी, मुकेश शर्मा, गोविंद शुक्ला, अनुप गुप्ता भी रहे मौजूद। हमीरपुर में श्री पैरन निषाद समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन, 13 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ, गृहस्थी और 50-50 हजार रूपए का सामान किया भेंट। बलरामपुर में विधायक बृहस्पति सिंह ने मुस्लिम समाज के सामाजिक भवन का किया भूमि पूजन, 5 लाख रुपए और 2 ट्यूबवेल की खुदाई की घोषणा की। बदायूं में आपसी रंजिश को लेकर युवक को मारी गोली, युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, शादी समारोह में युवक को मारी थी गोली। बुरहानपुर में विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी हुए लामबंद, पार्षद जफर द्वारा कर्मचारी के साथ मारपीट को लेकर हुए लामबंद, लाइन काटने पहुंचे थे कर्मचारी। बुरहानपुर में लोगों ने लिया ताप्ती परिक्रमा का निर्णय, मुलताई से प्रारंभ होकर बुरहानपुर तक चलेगी परिक्रमा, 5 मार्च से चलेगी परिक्रमा। ताज नगरी आगरा में वसुदेव कुटुंबकम थीम के साथ ताज महोत्सव का हुआ आगाज, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया उद्घाटन, 20 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा ताज महोत्सव। G20 प्रतिनिधि को लेकर सजने लगा हरियाणा का झर, हरियाणा की पारंपरिक कला, सांस्कृतिक संगीत और नृत्य को कराया जाएगा अवगत, मेहमानों को मिलेगा लजीज पकवानों से रूबरू होने का मौका। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जुआ टकराई, कार में बैठी महिला को मामूली चोट आई, मोटरसाइकिल को बचवाने के चक्कर में हुआ हादसा। बलरामपुर में हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा में शामिल हुए राम विचार नेता जामवंतपुर से पैदल चलकर पहुंचे तातापानी, तातापानी में आयोजित यज्ञ में हुए शामिल। भारत में होने वाले G20 देशों के सम्मेलन के लिए तैयारियों का दौर जारी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में से लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, BHU के छात्र कर रहे टीम बेस पेंटिंग। पुतिन बोले, हमें हराना नामुमकिन नहीं, चाहिए मदद, कहा पश्चिमी ताकत यूक्रेन के कंधे पर रखकर चला रही बंदूक। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद रेडिएशन का खतरा, पानी में घुला रेडिएक्टिव मटेरियल जापान, चीन, साउथ कोरिया तक असर। तुर्की सीरिया में फिर भूकंप, 5 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे, पहले भूकंप में कमजोर पड़ चुकी इमारतों को ज्यादा नुकसान। पुराने मिलिट्री बेस में इकोनॉमिक जोन बनाएगा तालिबान, काबुल से होगी शुरुआत, अब ट्रेड और इकोनॉमी पर फोकस करने की तैयारी। यूक्रेन में हवाई हमले का सायरन, ट्रेन से पहुंच गए बाइडेन, राजधानी कीव को नो फ्लाइंग जोन बनाया गया।